अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज बहुत ही अरसे के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और बेसिकली आई वाज़ बिज़ी और कुछ जो है वो एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी कि पाकिस्तान अफेयर्स को किस तरह से कवर करना है, क्योंकि मटेरियल तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, बुक्स भी हमारे पास मौजूद हैं, कभी हमने किसी की बुक ली होती है, कभी मार्केट में से किसी कंपनी की बुक उठा लाते हैं, बट हम प्रिपेयर नहीं कर पाते उसको, हम उसको स्टार्ट नहीं कर पाते, हमें समझ नहीं आती कि हमें स्टार्ट कैसे लेना है, स्टार्ट कैसे करना है। तो ये सारी जितनी भी आपकी जो क्यूरीज हैं वो आज एक ही वीडियो में हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि मैं इसका पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड एक स्केड्यूल बना दूँगी कि आपने कितने दिनों में एक टॉपिक मैक्सिमम प्रिपेयर करना है, और उस टॉपिक को किस तरह से प्रिपेयर करना है वो स्केड्यूल मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगी 4 to 5 days में इंशाल्लाह। तो आपने जिसने भी व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं किया वो कमेंट सेक्शन में जाके, मैंने लिंक दिया हुआ उसको ज्वाइन करके, तो वो ग्रुप में आ सकते हैं, क्योंकि उस ग्रुप को बनाने का बेसिकली पर्पस है राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट प्लेस वो प्रोवाइड करना। सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो जो हमारी बेसिक वीडियो। इससे पहले मैं आपको ये भी बताती चलूँ दैट आई हैव क्लियर्ड माई पाकिस्तान अफेयर्स पेपर में मेरे 65 marks है जो मेरी प्रीवियस अटैम्प्ट थी। इस वजह से जो है मैं आपको इन डिटेल अपना एक्सपीरियंस भी बता दूंगी, और ये भी बता दूंगी कि आपको पाकिस्तान अफेयर्स किस तरह से प्रिपेयर करना है, और जिन्होंने मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी वो करंट अफेयर्स की देख लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टेप जो है मैं अपने एस्पायरेंट्स को, स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि आपने हमेशा जो है वो अपना सिलेबस प्रिंट फॉर्म में निकलवाना है, ठीक है। हम ये गलती करते हैं कि हम PDF में जो है वो सिलेबस रख लेते हैं, उसकी वजह से तो बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिलने वाली। ये 70 to 80% एस्पायरेंट्स का हाल है। फिर भी अगर आपने PDF में रखना है तो इट्स अप टू यू, बट ये मेरा बहुत पुराना फोल्डर है, इसको मैंने, इसमें PMS और CSS से रिलेटेड जितने भी मेरे ऑप्शनल्स थे और कंपलसरी तो डेफिनेटली होते हैं, उनको मैंने प्रिंट फॉर्म में निकलवा लिया था, और उसके बाद ये अभी तक मेरे पास फोल्डर 2 years back का फोल्डर है जो मेरे पास अभी तक मौजूद है। और इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था, एक तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, दूसरा आप जैसे जैसे अपने टॉपिक्स कवर करते हो आप क्लिक करते जाते हो कि मेरे जो टॉपिक्स हैं वो इतने कवर हो गए हैं और या इतने रह गए। तो ये एक मेरी टिप थी जो मैंने आपको देनी थी। एस्पायरेंट्स, जिस तरह हमने करंट अफेयर्स को जो है वो पोर्शन वाइज हमने उसको सेग्रीगेट कर लिया था, सेपरेट कर लिया था, सेम एज़ इट इज़ हम अपने पाकिस्तान अफेयर्स को भी पोर्शन वाइज सेपरेट करेंगे। सबसे पहला जो है हमारा वो प्री पार्टीशन का एक फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्री पार्टीशन, और सेकंड है पोस्ट पार्टीशन। ये मैं इसलिए इस तरह लिख रही हूँ क्योंकि जब मैं स्केड्यूल आप लोगों का प्रिपेयर करूँगी तो उसमें मैं डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता दूँगी। सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस ओपन किया आप लोगों ने, जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, देख रहे हैं आप। उसके बाद ही हमें समझ नहीं आ रही कि क्या स्टार्ट करें। हमेशा ये याद रखें, एक जो ईजी टिप है वो ये है कि आप हमेशा पाकिस्तान की प्री पार्टीशन से अगर अपना सिलेबस प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी इशू होगा। एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि वो प्री पार्टीशन का जितना भी पार्ट है उसे प्रिपेयर ही नहीं करते, उनको ये लगता है कि हम इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो छोड़ देंगे, हालांकि ये बोनस क्वेश्चन है। मैंने खुद प्री पार्टीशन जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया था, और जो करंट पोर्शन था उस पर भी किया था, बट प्री पार्टीशन पर भी किया था, और पोस्ट पार्टीशन पर जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हैं मैं भी आप लोगों को बताती हूँ, उस पर भी फोकस किया था, जिसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो मेरे MCQs जो थे वो सॉल्व हो गए, और सेकेंड जो है अब ये हुआ था कि जब मुझे हिस्ट्री का पता था तो डेफ़िनेटली मुझे प्रेजेंट और फ्यूचर एनालिसिस करना भी इजीली आ गया था। एंड वन मोर थिंग, बी ऑन सिलेबस, ओके। ये नहीं कि आपने सिलेबस से दूर भाग जाना है, या जी सिलेबस से जो भी वो क्वेश्चन देगी आपको FPSC वाले देंगे वो हमेशा सिलेबस में से होंगे, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। हाँ, उनका तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट आपने उसको जो है वो ये नहीं कहना कि सिलेबस में से आया ही नहीं, और बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आप लोगों को फील हो रहा होगा उसको काइंडली आप लोग इग्नोर कीजिएगा। अब सबसे पहले उन्होंने हमें दिया हुआ है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। मैंने प्री पार्टीशन के लिए एक ही बुक प्रिपेयर की थी, वो इकराम रब्बानी की थी, और ये है वो बुक, ये देख रहे हैं आप। अब मैं ये ओपन करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए ये इसके कॉन्टेंट्स हैं। ये 2 साल पहले मैंने बुक ली थी, और इसमें मेरा सारा प्री पार्टीशन का जितना भी जो है पोर्शन है वो सारा कवर हो गया था, मुझे कोई भी और बुक लेने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी। इसके ऊपर मैंने देखिए मार्किंग भी की हुई है। अगर आप इसके अलावा
वो वाली बुक लेना चाहते हैं जो यानी कि आपको लगता है कि आप वो पढ़ पाएंगे, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ईजी है, आप लोग ईजीली कर पाएंगे। और इससे मैंने पोस्ट पार्टीशन का भी मैक्सिमम जो है वो अपना पार्ट कवर किया था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिसमें पाकिस्तान को जितनी भी मुश्किलात दरपेश थी वो जितनी भी हैं, यहाँ पर जो चैलेंजेस थे वो इसके अंदर मौजूद थे, वो मैंने यहाँ से कवर किया था। अब सबसे पहले प्री पार्टीशन की बात कर लेते हैं, मैं फिर दोबारा अपनी बात पर आऊँगी कि यहाँ पर हम कहते हैं जी इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं जो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होता है ना हमारा, ये हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए करना होता है, ठीक है। जितने भी हमारे बादशाह गुजरे, उनकी डेनेस्टीज़ वगैरह, यहाँ पे मैंने रफ फॉर्म में लिखा भी हुआ है, डेनेस्टीज़ रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस, ये प्री 1857 है और इसमें डेनेस्टीज़ और रिफॉर्म्स इंक्लूड हैं, लेकिन ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, ये तो मतलब हिस्ट्री आप उठा के देख लें तो ये वहाँ पर भी होगा कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से MCQs आते हैं। जब हम पोस्ट 1857 की बात करते हैं तो इसमें हम कहते हैं जी कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो लखनऊ पैक्ट है, 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, ये वही चीज़ें हैं जो हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपने क्या करना है कि आपने सिलेबस ओपन करके वन बाय वन जो है वो एक बुक पकड़ी और वन बाय वन जो है उस सारी बुक में जो भी आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं आपने उसको वन बाय वन करते जाना है, कवर करते जाना है। ये हमारा स्टैटिक पोर्शन है, मैं लिख भी देती हूँ, आज काफ़ी देर के बाद वीडियो बना रही हूँ इसलिए शायद चीज़ें भी गिर रही हैं, पेजेस भी उड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। ये हमारा स्टैटिक पोर्शन है और ये बहुत ईजी पोर्शन है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना, कोई भी मतलब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, कोई एनालिसिस नहीं करना, नथिंग एल्स। तो आप ये हिसाब लगाएं कि अगर हम इसको छोड़ देते हैं, इस पोर्शन को, तो हम कितने अपने बोनस पॉइंट जो है उनको हम मतलब खुद ही अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। लीजिए मैं ये वाला आप लोगों को पेज दिखा देती हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी राइट नाउ। ये लें जी, ये मैंने ने जो है वो एक आउटलाइन बनाई थी रफ़ फॉर्म में, मैं डेफ़िनेटली ज़्यादातर जितना भी काम होता है वो रफ़ फॉर्म में करती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग जो है वो फ्लावर्स वगैरह यहाँ पर क्रिएट करते रहे। मुस्लिम हिंदूज के दरमियान जितने भी मीटिंग्स हुई थी, क्या कन्फ्लिक्ट्स थे, इसके अलावा पाकिस्तान के आइडियोलॉजी में बेसिकली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये देखें यहाँ पर भी यही है ज़्यादातर, ये देखें जिन्होंने भी जिनकी एफर्ट्स थी पाकिस्तान बनाने में, ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्ला, सर सैद अहमद ख़ान, ये सारे जितने भी हैं ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अंदर आएंगे। अब मैं इसलिए इन डिटेल नहीं जा रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, बस आपने सिलेबस अपने आगे रखना है और जो है वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से आपने स्टार्टअप ले लेना है। एक तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार मैंने एनालिसिस कैसे करना है और मैंने करंट अफेयर्स मतलब करंट पोर्शन कहाँ से देखना है, ये वाली टेंशन नहीं होगी। दूसरा, स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे, तो वो एक टेंशन जो है ना वो एक जान छुट्टी वो वाली बात होगी। अब ये तो था प्री पार्टीशन। पोस्ट पार्टीशन के बाद पोस्ट पार्टीशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि 14 पॉइंट्स कायदे आज़म के हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस आ जाते हैं, यहाँ पर हर चीज़ लिखी हुई है वैसे, और कायदे आज़म इलामा इकबाल की क्या स्पीचेस थी, क्या रोल था, ये इस बुक में ना जो मैंने अभी आपको दिखाई है इसमें हर एक कॉन्टेंट दिया, वैसे ये भी इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं थी हुई। उसके बाद ये आ जाता है हमारा ये जो करंट पोर्शन है, एक तो हमारा इरा है 2000 का इरा, जब 9/11 हुआ था ना तब का ये इरा है, वहाँ से आपने थोड़ा सा फोकस लेकर चलना है क्योंकि वहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि आपको थोड़ा सा अपने माइंड को चलाना पड़ेगा। यहाँ पे तो आप रट्टा भी लगा लो तो वो भी चलेगा क्योंकि डेट्स वगैरह ही आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन वहाँ पे आपको अपना माइंड जो है वो फुली तौर पर रखना है। अब ये टॉपिक्स दिए हुए हैं सारे, आपने जब स्टैटिक पोर्शन कवर करना है देन यू शुड मूव ऑन डायनामिक पोर्शन, और डायनामिक पोर्शन में आपने एक टॉपिक पकड़ा, जैसे मैं ये वाला पकड़ लेती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, आपने ये टॉपिक लिया, ठीक है, इसकी आपने हिस्ट्री देख ली। अब आपको पता होगा जब आपने प्री पार्टीशन वाला अपना किया है पोर्शन कवर, तो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या क्या थे पाकिस्तान की, गवर्नेंस कैसी थी, डेमोक्रेसी को क्या चैलेंजेस थे, ये सारी जितनी भी चीज़ें ना आपने लिंकअप करनी है। और एक और बोनस पॉइंट बता दूँ कि जितने भी हम यहाँ पर टॉपिक करेंगे ना, आप करंट अफेयर्स में भी वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को पढ़ चुके होंगे और आप ऐसे में भी कहीं ना कहीं जो है वो उस चीज़ की प्रेपरेशन कर चुके होंगे, ठीक है, आप साथ साथ बल्कि कर रहे होंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ।
और वो एस्पायरेंट्स जिन्होंने पीएमएस भी देना है उनके लिए तो ये बोनस है कि जो सीएसएस के अंदर, ये देखे मैंने टिक मार्क तब किए थे जो टॉपिक्स थे वही पीएमएस के अंदर थे, मैक्सिमम टॉपिक्स वही थे, क्योंकि चेंजिंग जो आती है वो ज़्यादातर ऑप्शनल्स की चेंजिंग आती है, तो वैसे ही थे। और उसके बाद में ये जी हमारे पास आ गए, टोटल हैं 28 टॉपिक्स, और इन टॉपिक्स को आपने एक टॉपिक पे कितने दिन लगाने हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं स्केड्यूल में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, जो मैं अभी प्रिपेयर करना शुरू करती है और 3-4 दिनों तक कर लूँगी, क्योंकि हर बच्चे का अपना टेम्परामेंट होता है, तो जो मैं स्केड्यूल शेयर करूँगी आपने उसको अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट जो है वो ईजिली मोल्ड कर लेना है। प्री पार्टीशन के लिए आप इकराम रबानी की बुक ले लें और या फिर कोई भी ऐसी बुक ले लें जो सारी कॉन्टेंट्स कवर कर रही है, क्योंकि प्री पार्टीशन में कोई भी ऐसी चेंजिंग नहीं है। पोस्ट पार्टीशन के लिए आपको जो है वो बुक्स बेसिकली नहीं, बल्कि इंटरनेट से आई थिंक आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, आपको आर्टिकल से कंसल्ट करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर कोई भी उठा लें, एक्सप्रेस उठा लें, ट्रिब्यून उठा लें, डॉन उठा लें, जो भी ईजी लगता है वहाँ से आर्टिकल पढ़ें, उस आर्टिकल को ऐसे से रिलेटेड भी कवर करें, उस आर्टिकल को करंट अफेयर्स के लिहाज से भी कवर करें, उस आर्टिकल को पाकिस्तान अफेयर्स के लिहाज से भी कवर करें, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, हमेशा टॉपिक को रखें, ठीक है। और लास्ट पेज ही हमने पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अब हमने इतनी मेहनत की, लेकिन अगर हम ठीक तरीके से अपने पेपर को अटैम्प्ट ना करें तो वो सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया जाती है। एंड सेम हैपन्ड विद माई बैचमेट्स, बहुत ही लाइक मेरी जो थी फ्रेंड्स थी, जिन्होंने शायद मेरे से ज़्यादा उन्होंने हार्डवर्क किया हो, बट दे वर फेल्ड इन ऑर्डर टू अटैम्प्ट पेपर इन अ राइट वे, ठीक है। तो आपने पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये जो कहते हैं ना कि हर क्वेश्चन में जी आपने ग्राफ बनाना है, आपने मैप बनाना है, दैट्स टोटली रॉन्ग। हर क्वेश्चन में आपको मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, उस क्वेश्चन में मैप बनाओ जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब एक क्वेश्चन जो है वो प्रॉक्सी वार का अगर आ रहा है, ठीक है, वार्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है या न्यूक्लियर कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप उसके अंदर पाकिस्तान का मैप अगर इंक्लूड कर रहे हो तो आई थिंक ये तो एक स्टूपिडनेस है ना। तो यहाँ से बेसिक बात है कि मैंने देखा उधर एस्पायरेंट्स जितने भी हैं वो मैप्स बनाई जा रहे हैं, हर क्वेश्चन में मैप बना रहे हैं, हर क्वेश्चन में ग्राफ जी एंटर हो रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ भी होते हैं, क्योंकि इतने आपको एग्जामिनर को हमारे जो है ना वो उधर भूल भूटे नहीं चाहिए, उसको हमारा मटेरियल भी चाहिए, उसको हमारी रिसर्च भी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो ना उसकी अगर आप आउटलाइन, अगर आपके पास टाइम है तो आप आउटलाइन बना लो, क्योंकि मैंने खुद जो है पेपर ऐसे अटैम्प्ट किया तो मैं उन सारी चीज़ों को रिजेक्ट करती हूँ जो कि हम बेसिकली इंटरनेट पे देखते हैं या हमारे टीचर्स अक्सर हमें वो कह रहे होते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे। आपने टोटली जो है वो पेपर को अपने वे से अटैम्प्ट करना है। डेफिनेटली आप लोग गाइडलाइन लो, जैसे मैंने आप लोगों को गाइडलाइन दिया, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यानी आपको हर क्वेश्चन में ग्राफ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे अगर कोई कंपोनेंट्स हैं तो उस कंपोनेंट को आप ऐसे प्रेजेंटेशन में एक ग्राफ बना दो, वो भी आप स्टार्टअप पे बना दो, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी आउटलाइन अच्छी सी लिख लो, क्योंकि एग्जामिनर हमारा क्वेश्चन पढ़ता भी है। और ऐसा क्वेश्चन जिसमें सपोज करें कोई सीपैक का क्वेश्चन आ जाता है, सीपैक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आप मैप बना सकते हो, मैप बना के आप पाकिस्तान का जो हमारा मैप होता है वो बना के आप उधर जो है वो मेंशन कर सकते हो कि यार ये सीपैक है जो कराची वगैरह का साइड है, वहाँ पे आप मेंशन कर दो, और उसके बाद जो है वो आप उसके अंदर ही मेंशन कर दो कि अब जो हमारा सेकंड फेज़ भी रिसेंटली कंप्लीट होने वाला है, अब थर्ड फेज़ हमारा स्टार्ट होगा। लाइक आप थोड़ा सा एनालिटिकल वे चलो, एनालिटिकल वे से लेकर चलो, ना कि आप हर क्वेश्चन में ग्राफ लिखते जाओ। मैंने अपनी उस जो मेरी फ्रेंड थी उसको मैंने यही देखा कि उसने हर क्वेश्चन में जो है वो ग्राफ एंटर किया हुआ है, हर क्वेश्चन में मैप मतलब बनाया हुआ, और उसमें उसको टाइम भी बहुत लगा, उसका पेपर भी ठीक तरीके से मैनेज नहीं हो सका। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। एंड डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज मेरी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं मिसमैनेजमेंट हुई है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि इससे कम मिसमैनेजमेंट हो, स्लिप ऑफ टंग भी कम हो, क्योंकि आज आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई थिंक 5 मंथ्स के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, और मुझे लगता है मैंने बहुत सी मिस्टेक्स जो है इस वीडियो में किया, सो इग्नोर दैट मिस्टेक्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।